आप सब कैसे हो? स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सबसे कुछ कहना है। जैसे कि आप जानते हैं, लव एट फर्स्ट साइट का स्टोरी खत्म हो चुका है। अभी आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछे न्यू स्टोरी कब आने वाला है। नहीं गाइस, अभी न्यू स्टोरी नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ ट्रू लव एग्जिस्ट पे काम करूँगी इस चैनल पे। और आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने न्यू चैनल ओपन किया तो मैं उसके ऊपर भी काम कर रही हूँ। वहाँ पे भी मुझे स्टोरीज अपलोड करना है, तो मैं इतना स्टोरीज अपलोड नहीं कर पाऊँगी इस चैनल पे। ट्रू लव एग्जिस्ट ही अभी चलेगा। ट्रू लव एग्जिस्ट के बाद ही मैं न्यू स्टोरी लेके आऊँगी गाइस। आई होप आप लोग अभी समझ गए होंगे। अभी चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये ट्रू लव एग्जिस्ट का 9th पार्ट है। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था वी और जिमिन यंगकुक के घर से भाग के आ जाते हैं और कार में बैठ के जिमिन के घर पे जाते हैं। दोनों बहुत गुस्से में होते हैं और सैड भी होते हैं। मिक्स फीलिंग्स होती है दोनों के पास। अभी देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। नाउ लेट्स गो। वी, तू मुझे घूरना बंद करेगी? जब से हम लोग निकले हैं उनके घर से, तू तब से कार में भी तू मुझसे घूर ही जा रही है। मुझे क्या, तू मुझे घूर घूर के मार डालना चाहती है? मेरा मन तो वही कर रहा है जिमिना, तेरे साथ करने के लिए। तेरी वजह से ये सब हुआ आज। तूने मुझे इतना पिलाया क्यों, बता मुझे। पहली बात, मैंने तुझे नहीं कहा कि तू इतने सारे बॉटल पी जा। दूसरी बात, मेरे बारे में सोच। मैं ऑफिस जाके कैसे फेस करूंगी युंगी को? सोच जरा मेरे बारे में, मेरी हालत सोच। मैं क्या सोचूं, जैसी करनी वैसी बनी। तूने मुझे पिलाया इतना ज्यादा, फिर तूने खुद भी पी लिया। अभी तो भुगत जो भुगतना है। अच्छी बात है, जा जाके फेस कर मिस्टर युंगी को। हाँ, जैसे कि तू बहुत दूध की धुली हुई है। वहाँ पे वो जो लड़का था मिस्टर युंगी के साथ, तू उसके कंधे पे चढ़ गई थी। तुझे पता है तूने क्या किया? हाँ मुझे याद है, लेकिन वो मैनेजर हमारे यहाँ पे काम नहीं करता, तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। ऐसे भी तू उस बारे में मत याद दिला यार, मेरा दिल कांप जाता है वो सोच के जो हुआ कल रात को। इस प्यारे से मासूम से वी के ऊपर थोड़ा सा तरस का, देख मेरे चेहरे की तरफ। लल्लू बाबू, तुझे देख के ऐसा लग रहा है कि 2 साल की बच्ची है। दूध चाहिए वी को? दूध पिएगी? हाँ वी यार, प्लीज मजाक मत कर, मुझे बताना मैं क्या करूँ। मैंने थोड़ी तुझे इतना पिलाया, मेरी कैपेसिटी है मैं हमेशा ड्रग होने के बाद भी सही रहती हूँ। आज क्या हुआ मुझे नहीं पता। बहुत मजा आया। वेरी फनी, बहुत अच्छा तूने मजाक किया। मैं क्या करूँ जिमिना, तू जाने और तेरे मिन्यूम जी जाने, तू जो करना चाहे कर ले। वैसे भी मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ कोरिया से बाहर, तो मुझे कुछ नहीं पता, तू संभाल ले अपनी प्रॉब्लम। मैंने सोचा भी नहीं था मेरी सोलमेट मेरे साथ ऐसा करेगी। ठीक है, तू मदद नहीं करना चाहती ना, ठीक है। ओ ड्रामा क्वीन जिमिना, अपना ड्रामा बंद कर। तू इतना घबरा क्यों रही है यार, तू बॉस है, तू ऐसे बिहेव करिए, तू एम्प्लॉय है और वो मिन्यूंगी तेरा बॉस है। मुझे पता है वी, मैं बॉस हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अजीब लग रहा है, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। अगर तू नहीं कहती बॉडीगार्ड्स को मत ला, अगर हम लोग बॉडीगार्ड्स को लाते, वो लोग हमें घर पहुंचा देते ना, ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। ना ही युंगी हमें देखता, ना ही हम युंगी को देखते, ना ही वो सब होता जो कल हुआ। ओ, इसका मतलब तू पूरा का पूरा ये सब मेरे ऊपर डाल रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाह 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 जिमिना वाह, क्या बात है। तू पहले मुझे लेके जाती है क्लब पे, हम लोग पार्टी करते हैं कहती है, फिर सारा पैसा मेरे ऊपर डाल दिया। ओ, हाँ जो मैंने कहा सच कहा वे। वैसे तू कहाँ जा रही है पहले वो बता, तू कहाँ जा रही है? वो मेरी एक एड शूट है, तो मैं कोरिया से 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। वाह कितने अच्छे से तू एस्केप हो गई और मैं फंस गई। ठीक है तू जा, मैं संभाल लूंगी। फोन आ रहा है। हेलो होप। हेलो जिमिना, क्या हुआ
ऑफिस नहीं आई, इतना टाइम हो गया, और वीका है वो भी नहीं आई। वो होप एक्चुअली जिमी ने फोन स्पीकर पे डाल। रुक रुक डाल रही हूँ रुक। हेलो हेलो जिमिना, क्या तुम वहाँ पे हो? जिमिना हेलो, हो भी मैं बात कर रही हूँ वी। आज ना जिमिना नहीं आ पाएगी और मैं भी नहीं आ पाऊंगी, मेरी ना थोड़ी सी तबीयत खराब है तो वो मेरे साथ है, ठीक है? हो भी ओ वी तुम ओके ठीक है वी, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाय। ओके बाय हो भी, तुम भी अपना ध्यान रखना। वी तूने झूठ क्यों बोला होप से कि तेरी तबीयत खराब है? हाँ जिमिना तुम सही कह रही हो, मुझे होबी से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, उसे मुझे बता देना चाहिए था। जो तुम्हारे लिए काम करता है मिन्नी होंगी, उसके साथ जिमिना ने कल बहुत ज्यादा वियर्ड हरकतें की थी, इसके लिए वो आज उसे अपना मुंह नहीं दिखाना चाहती है ना। तो जिमिना अभी मैं होबी को कॉल करके बता देती हूँ सारा सच, तुमने मुझे आज बचा लिया, वरना मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता जिमिना, बहुत बड़ा पाप हो जाता, तुमने बचा लिया। रुको मैं अभी कॉल करती हूँ वापस उसे। नहीं वी तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो मजाक कर रही थी। सच में मैं मजाक कर रही थी, तुमने बिल्कुल सही किया, कोई जरूरत नहीं है होप को सब कुछ बताने की, ठीक है? तुमने बिल्कुल सही किया वी। सच में अच्छी बात है जिमिना, तुम समझ गए। अभी तुम सामने से हटो, मुझे जाके थोड़ी देर रेस्ट करना है, मैं बहुत थक गई, पहले हैंगओवर वो सब था, अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए, ठीक है? गुड मॉर्निंग बाय, अभी मैं सोने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए गुड मॉर्निंग, मेरे लिए गुड नाइट, बाय बाय। ठीक है बाय बाय, गुड नाइट तेरे लिए, तू जाके सो जा कुंभकर्ण की औलाद, मैं तुझे कल सुबह ही उठाऊंगी, ठीक है? जा सो जा। मुझे नींद क्यों नहीं आ रहा है, ये वी क्यों मेरे सपनों में आ रही है यार? लेकिन जो भी कहो वो बहुत क्यूट थी कल रात को जब वो ड्रंक थी। जंगकुक क्या सोच रहा तू, सो जा बस सो जा, तुझे वो क्यूट कैसे लग सकती है जंगकुक, सच में कैसे? थैंक गॉड अभी तक यंगी नहीं आया, मैं चुपचाप अपने कैबिन में चली जाती हूँ जल्दी से। मैम जिमिन मैम। ओ नो अभी सूजी को बुलाना था। हाँ सूजी बताओ क्या काम है तुम्हें? हाँ मैम मुझे आपसे कहना था कि आज शाम को पार्टी है, आपको याद है ना? हाँ सूजी मुझे याद है, अच्छे से याद है, तुम सारी अरेंजमेंट देख लो, अभी मैं कैबिन में जा रही हूँ, ठीक है? ओके मैम मैं सब कुछ देख लूंगी, एंड गुड मॉर्निंग मैम, एंड हैव अ ग्रेट डे। यू टू सूजी एंड गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी जिमिन मैम, जिमिन मैम। ओ नो ये तो योंगी की आवाज है। हाँ ऐसा करती हूँ कि मैंने आवाज ही नहीं सुना, हाँ मैंने कुछ भी नहीं सुना। चल जिमिन कैबिन के अंदर चल। मैम सब कुछ हो गया, सारे चेकिंग सब कुछ हो गया। मैम मैम वी मैम। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वो डफर मैनेजर क्यों आ रहा है मेरे सामने, आंख बंद करो तो आ रहा है, कल रात को भी सपने में वो आया था, ये क्या चल रहा है अभी तेरे साथ, क्या हो रहा है तुझे? मुझे लगता है कि मुझे वो ये सब सपनों में और सामने ऐसे दिखाई दे रहा है, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं उससे अभी तक बदला नहीं ले पाई, उसने जो मेरे साथ किया। जस्ट वेट मिस्टर मैनेजर, मैं जाके आने के बाद तुम्हें तुम्हें बताऊंगी। ये कब तक हो गई? हेलो वी मैम, वी मैम, वी मैम, सुन रही हैं आप? हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? जेनी तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, मेरे कान का पर्दा फाड़ना चाहती हो क्या? मैं तुम्हारे सामने बैठी हुई हूँ, तुम मुझे दिल से भी तो बुला सकती हो। सॉरी मैम लेकिन आप रेस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी, इस वजह से मुझे चिल्लाना पड़ा। वैसे हमारा फ्लाइट का टाइम हो रहा है, हमें चलना चाहिए मैम। ओके ठीक है चलो चलते हम लोग। ओके आफ्टर यू मैम। इनका ना कुछ भी नहीं हो सकता, पहले ये खुद ही नहीं सुनती मेरी बात, फिर बोलते हैं कि चिल्ला क्यों रही है, बहुत वियर्ड है वी मैम, मैं कभी भी इन्हें समझ नहीं पाऊंगी। कैन आई कम इन? यस कम इन। योंगी तुम, मैम मैं आपको आवाज दे रहा था लेकिन आप वहां से चले आए, क्या मुझसे कुछ गलती हो गया है? नहीं योंगी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो एक्चुअली आप कल की बात को लेके वरीड है क्या मैम?
एक्चुअली आई होंगी, मैं कल की बात से थोड़ा सा वरीड हूँ। जो कल मैंने किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मैं वापस से माफ़ी मांगती हूँ। मैं कल कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो गई थी और जो हम दोनों ने किया, मैंने और वी ने, वो हमें नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके मैम, आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो उस बारे में तो भूल ही गया था, आप ही भूल जाइए। ओह थैंक यू योंगी, वैसे तुम यहाँ पे किसी काम से आए थे क्या, तुम्हें कुछ कहना था? यस मैम, एक्चुअली जे होप सर ने कहा था कि मैं आपसे पूछ लूँ, जो आज शाम को पार्टी है उसमें मैंने सब कुछ चेक कर लिया, आपका कुछ रह गया हो तो वो भी गेस्ट लिस्ट में या कुछ भी आपका, तो वो भी काम कर दो करके जे होप सर ने कहा था, वही मैं आपसे पूछने आया था। ओके योंगी, लेकिन मेरी तरफ से तो मैंने सारे गेस्ट लिस्ट दे दिए थे और बाकी सब तो सूजी ने मुझे बताने वाली है, तो मेरी तरफ से कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। ओके मैम तो ठीक है, मैं चलता हूँ। एंड वन मोर थिंग, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कल रात को जो हुआ, आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं भूल ही गया, ठीक है? बाय, अभी मैं चलता हूँ। ओके बाय। लेकिन इसे कैसे पता चला कि मैं यही बोलने वाली थी अभी, स्ट्रेंज। एनीवे मैं अपना काम करती हूँ। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही था। एंड वन मोर थिंग गाइस, नेक्स्ट पार्ट पे जिमिन के साथ कुछ होने वाला है, तो रेडी रहना, ठीक है? बाय बाय सारंगी, लव यू, सी यू सून।